चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा पहला नमस्कार, छोटों को आशीष प्यार। स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता मिश्रा उत्तराखंड पहाड़ी ब्लॉग पर। और सुबह के 9 बज चुके हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं किचन में से, और यहाँ पर बना रही हूँ मैं नाश्ता। देखिए, नाश्ते में सब्जी भी बन चुकी है और लौकी की सब्जी बनाई है, और यहाँ पर मैंने आटा भी गूंथ के रख दिया है। अब बनाती हूँ मैं रोटियाँ, और यहाँ पर दिखाती हूँ मैं खाने के लिए। पहले ही बैठ चुके हैं, देखिए रोटियाँ बनने वाली हैं और ये बैठ गए हैं खाने के लिए, और पानी पुनी सब निकाल निकल के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बनाती हूँ मैं रोटियाँ। रोटा नहीं पाक रहा है, पाकण हो इतो जल्दी लग गई तुमको भूख? 9 बजे भूखा टाइम है, वो दवाई ले खाए मैं। अच्छा, बेबी आ पांच खाने जैसे तलतरा बाड़ में। अरे तब लग रहा है भूख, तब भूख लग रहा है। हाँ, उसी नाश्ता टाइम हो। सुबह के 11 बज चुके हैं, और हमने नाश्ता करने के बाद अब मैं करती हूँ इस बाड़े का काम। छोटा सा खेत है, मैंने उस दिन दिखाया था आपको, मूली बोई थी इसमें, पर मूली तो कुछ नहीं हुई इसमें। जो भी मूली के पेड़ थे सारे फूल आ गए हैं उसमें। अब उनको उखाड़ के मैं इसमें थोड़ी सी भिंडी बो देती हूँ, और थोड़ा इसका काम कर लेती हूँ। पहले ये लकड़ियाँ हटानी है मुझे, उसके बाद मैं इसमें भिंडी बोऊँगी। और अभी हवा भी चल रही है, यहाँ पर धूप तो हल्की है, उतनी तेज़ नहीं लग रही है, पर हवा अच्छी चली है। और मैं करती हूँ इसका काम। काम हटा के मैं पहले खाना को थोड़ा लग रहा है, यहाँ बांध रही है, लगा लोग तिलु कान के अब लगाए बांधरा ऊपर है। बांधरा ऊपर लगाई भाई। कितने मूली खाए तूने इसमें से? हां खाई मूली और ये खरोयो। कितना ओगल खाया? यो पूरा खान भाग सारा बला रह गयो। जो भी रख रहा बन गयो। अरे यो सन्नो भिंगी बनो के भिंगी को। ये रहा यो खाए रहा यो। ये जो सा खाना देखिए, मैंने सारे कांटे हटा के और इसका सारा घास भी उखाड़ दिया है। अब मैं उसको खोद के बराबर कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें भिंडी का बीज बोऊंगी, तब शाम को डालेंगे इसमें पानी। अभी तो सूखा हुआ है ये, धूप में पानी डाल के भी क्या फ़ायदा, शाम को पानी डालेंगे तब। देखिए बड़ा मैंने बो दिया है, इसमें मैंने भिंडी बोए हैं इस वाले में, और बीच में से एक छोटी सी क्यारी बनाई है। ये पानी डालने के लिए भी अच्छा होता है, और पता भी लग जाता है कि इस तरफ क्या बोया है करके। इस तरफ मैंने भिंडी बोई है, और इस तरफ बोया है मैंने मूली। छोटा सा खेत है, क्यारी है मतलब, और इसमें दो चीज़ बो दिया मैंने। और अब ये लकड़ियों को मैं रखती हूँ उधर, कितने सारे कांटे लगा रखे थे मैंने, ये सारे निकाले हैं ये। और यहाँ पर थोड़ा सा घास भी उखाड़ के रखा है मैंने, और ये लकड़ियों को सारे संभाल देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग गई है, और अब मैं इसको रखती हूँ। दिन का 1 बज चुका है, और मैं खेत का काम करने के बाद किचन में आ गई हूँ, और अब मैं बनाती हूँ दोपहर का खाना। शाम के 4 बज चुके हैं, और 2 बजे मैं खाना खा के अंदर चली गई थी, तब से मुझे पता नहीं क्या नींद आई ऐसी है। अभी 4 बजे मेरी नींद खुल रही है, मैं समझ रही हूँ कि अभी सुबह हो रही है करके। पता नहीं बुखार जैसा आ रहा है आजकल, मुझे बहुत भयंकर नींद आ जा रही है। और अब बनाती हूँ मैं चाय, चाय का टाइम भी हो चुका है, और चाय बनाती हूँ। तो चाय भी पखावा धारा आई हूँ पानी भरने के लिए, और यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको कितनी सारी भीड़ लगी है। ये देखिए, यहाँ का पानी बहुत ही स्वादिष्ट है और ठंडा भी होता है, इसलिए यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं पानी लेने के लिए। मैं फ्रंट कैमरा करके दिखाती हूँ आपको, मेरा पानी ले रही है। भीड़ सा हो हैं, वीडियो बढ़ोनी पानी ले जानो, ये सब भीड़ हैं। नंबर लगाओ रे, लाइन लगाओ मिल जाए सही टाइम पर भर। ए फिसलने वाला और एक बार पहले गिर गया हो। आज कल वो डालो बीज में तब लोग हमारा साल का थोड़ी चलेगा यहाँ। यहाँ
चलता है। यहाँ साल नहीं चलता है, क्लास क्लास चलता है, लास्ट चलता है, फर्स्ट चलता है। ये ये देखो मोनू मम्मी शॉर्ट ली पे रही है। ओ मोनू मम्मी कद बांध लिया था शॉर्ट में हैं, ये फिस लेगी। हाँ तू भी ठीक है, कल को भी आना। कल को नहीं आ सकते। अच्छा पौर दिन आला अब बहुत छुप तो हाँ ठीक छुप ठीक छुप। अरे तुम रहो बाण ना लो। अच्छा ठीक भाई बरसिम लग रहा यार मेरी हो कब आई होनी खेल भाई क्या होगा रे तुम्हारा बढ़िया पान ठंडो सुना यहाँ क्या दिल जला रखा कल मंदिर में क्यों ना भर ली जान मैं सज शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ पलखाओ धारे से पानी लेके और यहाँ पर हम पी रहे हैं चाय। चाय बनी है गर्मा गर्म चाय बनी हुई है और यहाँ बहुत बंदर ने आतंक मचा दिया है। अभी इधर उधर से चारों तरफ से बंदर ही फैले हुए हैं। यहाँ का मौसम किस प्रकार बना हुआ है, बहुत ही ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है पहाड़ों में आजकल। हेलो गाइस कैसे हैं आप? आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैंने हम तरमाला चाहे यार यूट्यूब ये चैनल का देखिया सब्सक्राइब करिया लाइक करिया चाने रहा शेयर करिया। शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी दिखाया मैंने आपको यहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर बना हुआ है और आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।